सुनीति और सुरुचि की कथा आपने सुनी होगी, भक्त ध्रुव की, जो कि 6 साल की उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर ली। नन्हा सा बालक, छोटा सा बच्चा जंगल चला जाता है भगवान की खोज में, और 6 साल की उम्र में ही, 5.5 साल की उम्र में, 6 महीने में, मतलब 6 साल के जब तक हो गए, भगवान को प्राप्त कर लिए। तो भगवान ने वरदान दिया कि ध्रुव तुम मेरे लोक नहीं आओगे, मैं तुमसे इतना खुश हूँ, तुम हमेशा के लिए अजर अमर हो गए समझो, तुम्हारा अलग से एक लोक बसाया जाएगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। क्या नाम होगा? ध्रुव लोक। अच्छा, ये ध्रुव लोक कहाँ है? ध्रुव जी की कथा आपने सुनी होगी, बड़ी विस्तार से है, क्योंकि हमें भगवान भोलेनाथ का विवाह कराना है। कथाएं तो वैसे बहुत हैं भागवत में, लेकिन कुछ कथाएं हम विस्तार से कहेंगे, कुछ कथा शॉर्ट में, सूक्ष्म में कह देंगे। तो ध्रुव जी की आप लोग कथा सुनते ही होंगे, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं थोड़ी देर में आपको सुना दूं। ध्रुव जी आज भी अमर हैं, अजय हैं, अक्षय हैं। ये कहां है ध्रुव लोक? कहां है ध्रुव लोक? है उत्तर दिशा में। कहां है? उत्तर दिशा में। और जब भी आपकी शादी होती है तो पंडित जी उत्तर दिशा में दर्शन कराते हैं ध्रुव तारा के, और वो जो ध्रुव तारा है आज भी दिखता है अपनी माँ के साथ। ध्रुव जी आज भी बैठे हुए हैं सुनीति मैया के साथ में, उत्तर दिशा में। ये तारा सवेरे सवेरे दिखाई देता है ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। और पहले ऐसे विवाह हुआ करते थे, ऐसे शादियां हुआ करती थी कि बराबर ब्रह्म मुहूर्त में ही आपके फेरे पूर्ण हो जाएं। तो जब आपकी शादी हुई थी तो आप लोगों को पंडित जी ने दर्शन जरूर कराए होंगे। किस किस ने दर्शन किए थे? हाथ ऊपर करना जरा। उत्तर दिशा में आज भी ये तारा दिखाई देता है। और पंडित जी दर्शन क्यों कराते हैं? इसलिए जब शादी संपन्न हो जाती है, विवाह जब संपन्न हो जाता है, तो वर और वधु को, दूल्हा और दुल्हन को उत्तर दिशा में पंडित जी कहते हैं वो तारा देखो। इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से ये तारा अक्षय है, अमर है, अटल है, अजय है, इसी प्रकार से तुम दोनों का जो रिश्ता है 7 जन्मों के लिए अजय अमर अटूट अक्षय अटल हो जाए। 7 जन्मों के लिए एक रिश्ते में हमेशा के लिए तुम इसी तारे की तरह बंधे रहो, इसीलिए दिखाया जाता है। आप लोगों ने देखा ना? हाथ ऊपर कीजिए, किस किस ने देखा? जय हो। अच्छा, बाकी का क्या हाल है फिर? भगवान कृष्ण की तरह शादी हुई थी क्या आपकी फिर, इसलिए नहीं देखा? ऑन द स्पॉट। अच्छा, अब दूसरा महत्व सुनिए। ध्रुव तारा जो सवेरे सवेरे देखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु नहीं होती है उसकी, जिस जो सवेरे उठ करके ये तारा का दर्शन करता है, उसका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, जवानी में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, कोई रोग नहीं हो सकता, ये महत्व है। तो सवेरे 4 बजे से लेकर के 6 बजे उत्तर दिशा में जो सबसे ज्यादा तारा चमकता है तो उसी का नाम है ध्रुव तारा। और जो सुहागन स्त्री ध्रुव तारा का सवेरे सवेरे दर्शन करती है उसके पति की लंबी आयु हो जाती है। कौन कौन माताएं कल से देखा करेंगे, जरा हाथ ऊपर करना। अपने पति की लंबी आयु के लिए आप लोग अभी व्रत गया है, छठी मैया का व्रत पूरे बिहार भर में ये व्रत किया जाता है, सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। क्यों? क्योंकि हे छठी मैया, एक स्त्री मांगती है भगवान से, मैया रानी से, कि माँ। अच्छा, क्या मांगती होंगी आप लोग बताएंगे? आपकी पत्नी क्या मांगती है माता से, कोई बता सकेगा? मैं आप लोगों से, मेरे भाइयों से, मेरे काका बाबा से पूछ रही हूँ, आप लोगों से नहीं पूछ रहे, क्योंकि आपको तो पता ही है। कोई बताएगा क्या मांगती है आपकी पत्नी छठी मैया से? मैं बताती हूँ, और अगर बात सच हो तो ताली बजा करके बताना कि दीदी बिल्कुल सही कही। ये सुहागन स्त्री जब व्रत करती है, दिन भर व्रत करती है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक मांग भरती है। ये बहुत अच्छा रिवाज है। आजकल तो माताएं यहाँ लगा लेती हैं साइड में, किसी को पता ना चले कि हम मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। हाँ, ये बिहार की बहुत अच्छा रिवाज है कि यहाँ से लेकर के मांग भरी जाती है, अटूट मांग। छठी माता का ये व्रत माता इसलिए करती हैं और कहती हैं, हे माँ, मेरे पति के सामने मेरी डोली उठ करके आई थी और मेरे पति के सामने ही मेरी अर्थी उठ करके जाए। अगर ये मांगती हो तो ताली बजा के बताना, नहीं तो मत बताना। सच्ची सुहागन स्त्री यही कहती है, मेरे पति के सामने मेरी डोली आई थी और माँ, ऐसा वो दिन ना आए कि मेरे पति की मेरी आंखों के सामने अर्थी उठे। मेरे पति के सामने मेरी अर्थी उठनी चाहिए, मेरे पति की नहीं, मेरी उम्र मेरे पति को लग जाए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगती। और कहती है मेरी माताएं, बड़ा सुंदर भाव संतों ने लिखा है, अभी सती मैया की भी कथा आएगी। श्री सती कौन होती है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो आकुति प्रसूति और दक्ष प्रजापति का विवाह होगा, इनकी 9 कन्याएं हुई, 16 कन्याएं हुई, जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। क्या नाम है? सती। और दक्ष प्रजापति के सब बेटियों को बच्चे हुए, संतान हुई, लेकिन सती माता को कोई संतान नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? बोले इसलिए क्योंकि ससुर दामाद में लड़ाई हो गई थी। सती वो होती है जो अपने पति के सामने सती हो जाती है। सन 1800 में एक प्रथा बंद करा दी गई है, किसी सुहागन स्त्री का पति अगर खत्म हो जाता था तो वो पत्नी अपने पति के साथ में चिता पर बैठ करके भस्म हो जाती थी, उसे कहते थे सती। क्या कहते थे उसे? सती। पति अगर खत्म हो जाता था तो 200 साल पहले, ज्यादा नहीं, 200 साल पहले सन 1800 में ये प्रथा बंद हो गई है, एक सती स्त्री, सुहागन स्त्री अपने पति का सर लेकर के गोदी में रख के, और आग नहीं लगानी पड़ती थी, सती में उस सुहागन स्त्री के अंदर इतना बल होता था, योग क्रिया के द्वारा माता सती ने अपने शरीर में जैसे आग लगाई थी, ऐसे ही उस सती में अपने आप आग लग जाती थी, इतना बड़ा चमत्कार होता था 200 साल पहले। तो एक सती कहती है मैया, छठी मैया से कि मैया अमर करो सिंदूर, हो माँ, मैया अमर करो सिंदूर, सुहागन बर मांगे, कहती है ना, हो बर मांगे, हो मैया बर मांगे, बर मांगे, हो मैया बर मांगे, मैया अमर करो सिंदूर, सुहागन बर मांगे, अमर करो सिंदूर, सुहागन बर मांगे, कहूंगी कि माँ, जो भी माताएं दोनों हाथ उठा करके आपसे गुजारिश करेंगी, ताली बजाती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथ उठा के और कहेंगी मेरे साथ मैया रानी से, अमर करो मेरी हाथ की चूड़िया, अमर करो मेरी हाथों की चूड़िया, हाथों की चूड़िया मैया, हाथों की चूड़िया, चूड़िया मैया, हाथों की चूड़िया।
खन खन बचे जरूर सुहागन भरवागे भैया खन खन बचे जरूर सुहागन भरवागे ओ और सम्मान कर रही है मेरा। हमारी माताएं, मैं कहूंगी हे छठी मैया, हमारी माताओं का सदा सुहाग अमर रखना, इनकी चूड़ियां सदैव सलामत बनी रहे, सदा मांग सिंदूर, मांग में सिंदूर भरा रहे, इतनी कृपा करना। और पति के बाद एक सुहागन स्त्री अपने बच्चे के लिए मांगती है माता सती, माता छठी मैया से, और कहती है अरे अमर करो मेरी गोदी का ललना, 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 अरे गोदी का ललना मैया गोदी का ललना, गोदी का ललना मैया गोदी का ललना, मैया अंगना मैया अंगना खेल जरूर सुहागन भरवागे, मैया अंगना खेल जरूर सुहागन भरवागे, हो बर मांगे हो मैया बर मांगे, बर मांगे हो मैया बर मांगे, देवी हमारी करो सिंदूर सुहागन अमर करो मेरी अखियों का कजरा, अमर करो मेरी अखियों का कजरा, अखियों का कजरा मैया अखियों का कजरा, अखियों का कजरा मैया अखियों का कजरा, मेरी अखियों से बरसे नूर सुहागन भरवागे, मेरी अखियों से बरसे बात कहूंगी। मां लखियो
सबकी लाज रखियो सबकी लाज रखियो सबकी लाज रखियो सबकी लाज मेरी मैया छठी महारानी रखियो सबकी लाज रखियो सबकी लाज मैया छठी महारानी रखियो सबकी लाज रखियो सबकी लाज रखियो सबकी लाज रखियो सबकी लाज मेरी मैया छठी महारानी रखियो सबकी लाज मैया छठी महारानी।